अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट वासिर हाशमी आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आया हूं। और आज हम मौजूद हैं उस्ताद जावेद की छत पे और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद इमरान निहारी वाले। सबसे पहले हम दोनों उस्तादों को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? और दोनों उस्तादों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मसरूफियत में से इन्होंने टाइम दिया। सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुजार हूँ इमरान उस्ताद का, आज इन्होंने जाना था और फिर भी ये मेरे लिए इन्होंने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम वीडियो में। तो जावेद उस्ताद से हम पूछते हैं कि ये शौक कब से कर रहे हैं, क्या रखा हुआ है इन्होंने कबूतरों में साज, और इनके बारे में और तफसीलात से आगाह करते हैं आपको। जी उस्ताद, आप बताएंगे ये कराची के किस एरिए से आप शौक कर रहे हैं? नाजमाबाद नंबर 2 है भाई। नाजमाबाद नंबर 2? अच्छा, और ये कितने सालों से आपको कबूतरबाजी का शौक़ है? बचपन से ही है, हमारा तो खानदान ही है, बाप दादा सब करते चले आए इंडिया से। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। और आप यूनियन के जो आपका ओहदा है वो हमारे दोस्तों को बताएंगे, मुझे तो बताएंगे। नायब सदर हूँ भाई मैं। नायब सदर है जी। दोस्तों फ्लाइंग बेजिंग फ्लाइंग आर्ट क्लब, पिजन फ्लाइंग क्लब आर्ट के ये नायब सदर हैं और साथ साथ इन्होंने इनके साथ के बारे में पता करेंगे। अभी आपने जो साज जमा किया है 2018 का, वो किस तरह का साज है, थोड़ा सा बताएंगे? बस ये हमारा शौक है, लाल बंद हुआ यही जमा किए हमने और घाघरे जमा किए हैं। अच्छा, और ये जो कबूतर आप जमा करते हैं ये किस तरह जमा करते हैं? खरीद के लाते हैं। नहीं, मतलब ये कि दूसरे जो लोग होते हैं, जो मैंने अभी जिन जिन का इंटरव्यू लिया है वो मुख्तलिफ टुकड़ियों में से नहीं, वो हमने तो एक ही जगह से खरीद लिए ये सारे। अच्छा, सही सही सही, ज़बरदस्त। यही से खरीदे इमरान भाई से। अच्छा, सही सही सही। दोस्तों कबूतर भी उड़ रहे हैं, इनसे इनके कबूतरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लड़ाइयाँ वगैरह दिखाएंगे। और जो मैं अभी कुछ नए दोस्त भी आ रहे हैं यहाँ साथ साथ, उनको भी शागिर्द हैं हमारे बख्तियार खलीफा ही। अच्छा, शरीफ से शरीफ, ये दोस्तों ये हैं नए आए, शरीफ भाई नाम है आपका, ये जावेद उस्ताद के शागिर्द हैं, इनको वेलकम कहते हैं हम अपने इस इंटरव्यू में। तो मैं मार्केट के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा, अभी उस्ताद असल में कबूतरों को भी देख रहे हैं, तो अफवाहें बहुत उड़ती हैं उस्तादों को जो है वो बिना वजह बिना किसी जवाब के जो है वो अपना बदनाम किया जाता है। और मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ इस चीज़ को, नोटिस कर रहा हूँ तमाम जो है वो शौक को मद्देनज़र रखते हुए तमाम शौकीनों को ये बताना चाहता हूँ कि शौक़ को शौक के हद तक लें, आना का मसला ना बनाएं। शौक करना है मैदान में आके शौक करें, नहीं करना मना कर दें कि नहीं कर सकते हम। बिलाफजूल में किसी के नाम की कोई पर्चे लगाना, किसी को नीचा दिखाना, ये गलत है, बहुत गलत है, ये बहुत गलत बात है, ओखी हरकतें, और इससे इंसान की तरबियत का पता लगता है कि उसको तरबियत किस तरह की मिली है। आप देख सकते हैं, ख़ुद मवाजना कर सकते हैं, ख़ुद फैसला कर सकते हैं, इस यूनियन में कितना सब्र तहम्मुल है, दूसरी और यूनियनों में कितना सब्र तहम्मुल है। किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पिन पॉइंट करने का किसी को कोई मकसद नहीं है। कुछ पर्चे लग रहे थे, उनकी वजाहत करिए मैंने इस अपनी इस वीडियो में, और दीगर दोस्त अहबाब भी आ रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनसे रूबरू कराऊंगा। इमरान उस्ताद और जावेद उस्ताद, हमारे अपना शौकीनों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या उस पर्चे के बारे में, या अपना कुछ लड़ाइये के हवाले से कुछ भी आप कहना चाहें इस वीडियो में कह सकते हैं, मैसेज के तौर पर। कबूतरबाजी के हवाले से हमारा किसी से कोई तसाद नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमने कभी किसी के खिलाफ कोई पर्चा नहीं लगाया। अगर कबूतरबाजी के हवाले से आकर के कोई हमें आवाज़ देता है तो हम उससे कबूतर लड़ाने के लिए हर वक्त तैयार हैं, प्यार मोहब्बत से, भाईपंदी से, इसमें लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल, बदतमीजी और गाला गलौज की शहादत जो है कबूतरबाजी हम करते नहीं हैं, साफ सुथरी कबूतरबाजी करते हैं। और ये जो आजकल मार्केट के अंदर जो पर्चे लग रहे हैं, तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये हरकतें ना करें। जिसको किसी से भी कोई शिकायत है, अगर मुझसे भी कोई शिकायत है तो मेरे पास आएँ, मुझसे बैठ के बात करें, ये हरकतें नहीं करें कि मार्केट के अंदर किसी का पर्चा लगा दें और उसके खिलाफ कुछ बातें लिख दें झूठी सच्ची। तो इससे परहेज करें भाई, प्यार मोहब्बत से शौक करें, जिसने भी करना है अगर किसी कोई शिकायत है तो डायरेक्ट उसके पास जाए तो उससे बात करें। बिल्कुल, ताकि बात रफा दफा हो सके, बात रफा दफा। ये वो लोग हैं जो मतलब ये कि चाहते हैं कि हम आपस में मारा पीटी करें, लड़ें, खून रेजी करें, ये ऐसे लोग हैं और कुछ सामने नहीं आ रहा है वो, और
पीछे से जो है ना वार कर रहे हैं, कोई पर्चा छपवा दे, कहीं पर्चा बंटवा देते, कभी किसी को जाके चढ़ा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो लड़वाना चाह रहे हैं हमको आपस में, लिहाजा हम लड़ने वालों में तो है भाई ना, हम लड़ना चाहते, हम तो आपस में प्यार मोहब्बत से चाहते हैं, वो भी हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा लगता है उन्हें। अब उसको लोगों ने चढ़ा दिया वायरल, वो नहीं समझ पा रहा। हमने बोला ठीक है भाई, तू अगर चाहते इमरान भाई से लड़ाना तो लड़ा ले भाई, तो इमरान भाई से कबूतर लड़ा ले भाई। हम वो इमरान भाई भी कोई कमज़ोर नहीं है या तू कमज़ोर नहीं है, ये तो इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, जो हारे जो जीते। सही बात है, समझे ना। लेकिन अब वो बच्चे अब उसकी समझ में आ नहीं रही। वायरल हमने तो उसको कहा था कि भाई तू आन के यूनियन में बैठ, यूनियन में बैठ के तूने बात करी थी, वहीं आन के तू बात कर ले, वो आएगा ये इमरान भाई बात करेंगे। अब वो उनकी तरफ से कोई भी आन के बड़ा बन के बात कर ले, हम उससे भी तैयार है बात करने के लिए। बाकी लड़ैया के अंदर हम ये नहीं चाहते कि हमारा पीटीओ या लड़ाई झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत से चाहता है वो शौक कर ले, हम भी कर लेंगे। और दूसरा मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ, जो शौकीन हजरात हैं और जितने भी देख रहे हैं लोग मेरी वीडियो को, काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन ये है कि वो अलहदा बात है, यूनियन की तरफ से अगर कोई भी बात आएगी ना, उसके लेटर हेड पे आएगी, सही है, विद स्टैम्प। अगर ये दे शाया करते हैं कोई बात, कोई पर्चा, कोई भी नोटिस, तो इनकी स्टैम्प आएगी। दूसरी यूनियन की तरफ से आएगी तो उनके लेटर हेड या उनके स्टैम्प या उनके उस्तादों के साइन वगैरह होंगे। ऐसी कोई नहीं हर मुँह ऐरा गरम नत्थु खैरा मुँह उठा के लिख दे हाँ भाई यूँ यूँ यूँ, ऐसे नहीं होता। तो ये जितने भी तमाम बड़े हजरात शौकीन हैं और साथ खलीफा, वो सारी इस बात को समझते हैं। अब ये जो ज़्यादा करेक्ट करेंगे वो उस्ताद लोग करेक्ट करेंगे इस बात को, ऐसा ही है उस्ताद। बिल्कुल, कोई भी बात अगर कोई ये पर्चा कोई नोटिस हमारी यूनियन की तरफ से अगर कोई नोटिस इशू होता है वो हमारे लेटर पैड पर होता है, उस पर हमारे अहदेदारान हैं, उनके साइन मौजूद होते हैं, हमारे नंबर स्टैम्प लगी होती है। ऐसे किसी पर्चे के ऊपर हम कोई दरख्वास्त या कोई वो नहीं लिखते, लेटर वेटर ही देते हैं, जो भी देते हैं। सही सही, ये जिस किसी ने भी किया है उसका ना हमारी यूनियन से कोई ताल्लुक है, मेरे नाम से उन्होंने पर्चा लिखा है कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, ना हमारे से कोई बात है, ना हमारी यूनियन के किसी उस्ताद से कोई बात है उसका। जिसने भी लिखा है अल्लाह ताला उसका भला करे, लेकिन उसको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर जो है ना पीछे हट जाते हैं किसी को पिन पॉइंट किए बगैर, कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, तो वो वाली मिसाल है। और अच्छा शौक करें सबसे, और बिट्टू पाजी टीटू पाजी जो टोरंटो में होते हैं उनको मेरा नमस्ते और सलाम पाकिस्तान से, और उन्होंने उस्ताद इमरान को सलाम कहा था, नईम लंदन जो पठान है जिन्होंने रेसर रखे हुए हैं आपको सलाम, और जो काजिम है वो जर्मनी में होते हैं नेदरलैंड में, उन्होंने आपको सलाम करा था आबिद खलीफा के मोबाइल पे। अच्छा। आबिद खलीफा जो आपने आपका देखा, वालेकुम सलाम। देखें अब इस वीडियो अपलोड होगी तो आपको जो है ये सलाम का जवाब पहुंच जाएगा मेरी तरफ से भाई, आपके सब देखने वालों को सुनने वालों को सलाम, आपको आपके हमारी तरफ से भी भाई सबको सलाम, देखने वालों को और सुनने वालों को। और जो शुएब भाई हैदराबाद में जिन्होंने मछेरे बनाए, महासिन से कबूतर लिए थे और पाकिस्तान से जो कबूतर गए थे, अब मैं वो सास दिखाऊंगा उसके अंदर आप लोगों को। और अशरफ भाई अजमेर वाले जो अभी कुछ सामान आ रहा है मेरा, इंशाल्लाह मैं आपको वो दिखाऊंगा जब पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो तमाम दोस्तों को मेरा नमस्ते इंडिया वाले और सलाम, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों ये इनका साथ है, ये इनका साथ है, ये इनकी छत जो हजरात मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मुन्ना। आप भी यहीं से ही शौक करते हैं? मैं मेरी पीछे से। सही। और ये अशरफ साहब और उस्ताद हैं भाई हमारे सब, ये और ये इमरान उस्ताद, इमरान उस्ताद, ये जावेद उस्ताद। अच्छा आप क्या बता रहे थे, आप कलीम भाई के रिश्तेदार हैं? दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार हैं, जो कलीम उस्ताद की वीडियो मैंने अपलोड की थी उनके ये दूर के रिश्तेदार हैं। और ये इनका साज है उस्ताद जावेद का। अच्छा अच्छा दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक आ गई है, सही है। हाँ नीचे माशाल्लाह, ये सारे नर कबूतर हैं जावेद भाई? और कितने कबूतर हैं ये टोटल? 103 कबूतर है। 103 कबूतर। अच्छा
दोस्तों ये इनका साज है, सारे नए कबूतर हैं, नर कबूतर हैं सारे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच जाल हैं दोस्तों। उधर मेरे ख्याल में जोड़े वाले या कोई पकड़े धकड़े रखते हैं, और टाइमिंग के हिसाब से मुख्तलिफ कबूतर हैं। अच्छा भाई थोड़ा सा उड़ाएंगे ने, उड़ा के दिखाएंगे। आगे लड़ाइया हो जाएगी दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त, अच्छा जावेद भाई ये थोड़ा सा बताएंगे ये कबूतर कैसे हैं? ये घागने भाई सारे। अच्छा ये दूसरे टाइम खुलते हैं? ये अभी खुलेंगे 5 बजे। अच्छा ये भी लड़ रहे हैं? हाँ ये भी लड़ रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा इनको जाल खोलेंगे, करीब से बना लूँ वीडियो। माशाल्लाह ये 5 बजे दोस्तों खुलते हैं इनके कबूतर। जावेद भाई ये कितने कबूतर हैं? ये भी 103 या 104 कबूतर। 103 या 104 कबूतर हैं दोस्तों। ये शिराजी देखें, गोलदार काला शिराजी, काला चप, अच्छा काबरा चेक करें दोस्तों, बहुत ही उम्दा। इसके गंडे देखें दोस्तों, हाँ मैं आपने बोला ना।
फैसिलिटी देखिए दोस्तों, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, अब उनकी तरफ से भी लिखना फैंसी चांदना देखिए दोस्तों, वो छोटे वालों को भी गालियां लिख दी, कौन लोग हैं ये, इनको पकड़ा जाए ना, कौन है ये। बहुत ही उम्दा, बहुत जबरदस्त, जावेद उस्ताद की छत पे दोस्तों चाय आ गई है और चाय के साथ बिस्किट हैं, केक रस हैं, तो अब हम ज़रा टी टाइम करते हैं, उसके बाद फिर आपको दूसरी टोली और दूसरे कबूतरों से भी रूबरू करवाते हैं, तो तब तक के लिए ये देखें ये केक रस, किसी को जवान घाघरे चाहिए तो, और ये रही चाय लेके आए आज, खुले आज कल हो गए थे। तो अभी एक शिकार भी करा है, इत्तेफाक की बात है, लेकिन हम चाय पी रहे थे, मैं कैप्चर कर नहीं सका। जावेद की कबूतर उधर पड़ा सफेद बानो जोड़े आलो के जाल में, इसको रख दे ट्यूब को, खाड़ी मारेंगे दोस्तों, पीछे आ रहा है।
जी दोस्तों, यानी कि ये दूसरे कबूतर खुल चुके हैं 5 बजे वाले, और यहाँ पे कुछ लड़के भी आए हुए हैं। पहला आता है कबूतरों का, कबूतर गर्म हो रहे हैं। ये इंडिया वाली, इनमें नहीं आई आवाज। हाँ, ये छोटी, ये इनमें आएगी नहीं आवाज। उसमें बानों की बातें हो रही हैं। आ रही है भैया, आ रही है कोयटा से, इससे बड़ी भी है। सही सही, अब देखो ये तुम। हाँ, यही वाली चाहिए थी, बजाओ इसको। आ रही है, जब कबूतर पैर में डलेगी ना, ये ज्यादा आवाज देगी, इससे बड़ी भी है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा आवाज देती है, उससे बड़ी है। दो सेम भी नहीं।